जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट कर दी गई है, और आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जो है दोस्तों वो आपके लुधियाना के मोगा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। और आपको दोस्तों वहाँ का पूरा रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ अग्निवीर भर्ती को लेकर। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सारी चर्चा करने वाले हैं, और ये दोस्तों आपका 10 तारीख का दोस्तों ये वीडियो है, और 10 तारीख को जो जो हुआ है दोस्तों वो सारा वीडियो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितने बच्चों का बैच बन रहा है, कैसा ग्राउंड है वहाँ का, और क्या क्या परेशानी हुई बच्चों को दौड़ने में, और क्या क्या सुविधा वहाँ पर मिल रही है बच्चों को, रनिंग में कितना टाइम मिल रहा है, तो वो सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी दोस्तों इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, और आपको दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ भी दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर नया विजिट किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जाके चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली सभी भर्ती की न्यू वीडियो का अपडेट दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं दोस्तों अपनी भर्ती जो पर जो हो रही है दोस्तों आपकी भर्ती, ये आपके दोस्तों लुधियाना के मोगा डिस्ट्रिक्ट में आपकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों वहाँ की यदि हम बात करते हैं, जहाँ से जानकारी दोस्तों उस वहाँ की दोस्तों जो हमें जानकारी मिली है कि जहाँ वहाँ की दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की, तो ग्राउंड है दोस्तों जो वहाँ का, वहाँ पर दोस्तों बारिश हो जाने की वजह से ग्राउंड में दोस्तों पानी भर गया था। काफ़ी जगह दोस्तों बता रहे थे जो कैंडिडेट जो लोग फिजिकल दे के आए हैं, तो उन लोगों के ही दोस्तों से जानकारी लेकर दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो उन लोगों ने दोस्तों ये बताया कि जगह जगह पर गड्ढे में दोस्तों पानी भरा हुआ था, और मिट्टी जो थी वहाँ की दोस्तों गीली थी, गारा टाइप में, तो वहाँ पर बच्चों को दोस्तों दौड़ने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हुआ क्या था कि बच्चे भी काफ़ी कम संख्या में पहुंचे थे। 10 तारीख को जो है दोस्तों कि वहां पर 800 से 900 तक के बच्चे ही पहुंचे हैं, तो जिस कारण से दोस्तों उन्होंने केवल 50 बच्चों का बैच बनाया था, 50-50 बच्चों के बैच बना रहे थे, क्योंकि दोस्तों यह बिल्कुल ही फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। वहाँ से जो लड़के दोस्तों देकर आए हैं उन लोगों से ही दोस्तों जानकारी लेकर है, क्योंकि दोस्तों आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अग्नि भर्ती परीक्षा में दोस्तों 50 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि आपका हमेशा ही 50 बच्चों का ही बैच बनेगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम कंडीशन ये थी कि बच्चे दोस्तों कम संख्या में पहुंचे थे, और ग्राउंड भी सही नहीं था, जगह जगह पर पानी भरा था, तो जिसमें से दोस्तों 300-400 बच्चों का बैच बनाकर दौड़ाना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता था। तो लेगेसी कार्ड दोस्तों जो है कि 50 बच्चों का बैच बनाया। अब 50 बच्चों का दोस्तों जो बैच बनाया था, अब 50 बच्चों में पास कितने हो रहे थे, तो आपको बता दें कि 50 बच्चों में 3 लड़के या 4 लड़के ऐसे ही दोस्तों लड़के पकड़े जा रहे थे। अब बात करते हैं टाइम के, कि टाइम जो दोस्तों उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है। आपको दोस्तों ये बड़ी ही दोस्तों जानकर ये खुशी होगी कि आपको जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आर्मी की भर्ती में दोस्तों पूरा का पूरा टाइम दिया जा रहा है आपको 5:45। लेकिन दोस्तों आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी भर्ती किसी और दिन हो, कल हो या परसों हो, ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपको ही पूरा टाइम मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये उस टाइम की कंडीशन है जब दोस्तों आपका 50 बच्चों का बैच बना था, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड सही नहीं था, तो बच्चे बता रहे थे कि जो टाइम जो वहाँ का था, टाइम पर बहुत ही कम लोग ध्यान दिया करते थे, लेकिन दोस्तों जो वहाँ का जो टाइम था वो 5:45 दे रहे थे, और 5:45 में भी दोस्तों कितने लड़के, 50 में से 3 से 4 ही लड़के दोस्तों पास हुए थे। तो पूरा का पूरा टाइम दे रहे थे 5:30 फर्स्ट ग्रुप के लिए और 5:45 सेकेंड ग्रुप के लिए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि आपको आर्मी भर्ती में पूरा टाइम दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो दोस्तों कुछ दिन बारिश जो थमसी गई थी, तो बारिश तो ही नहीं, तो ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो गया है, सूख गया है। तो दोस्तों जो आज का दोस्तों जो फिजिकल हुआ था, तो उस पर भी दोस्तों हम वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे और भी जानकारी लेकर। लेकिन दोस्तों जो कुछ जानकारियाँ मिली हैं, तो वो उसमें बता रहे थे कि जो ग्राउंड है दोस्तों वो अब काफ़ी तरह से अच्छी तरीके से सूख भी गया है, और तो बच्चों की संख्या भी दोस्तों बढ़ रही है। तो आज के दोस्तों जो बैच बना था आज की डेट में, तो आज की डेट में दोस्तों 125-150 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, जिसमें से 10-15-12-16 ऐसे बच्चे दोस्तों पकड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंडीशन में ही आपके
जो बैच है वो आपका भी 50 बच्चों का बनाया जाए। लेकिन दोस्तों ये उस टाइम की कंडीशन है जब दोस्तों बारिश हो गई थी, ग्राउंड भी गीला था, गारा टाइप में दोस्तों काफ़ी बच्चे थे दोस्तों गारे में, दोस्तों उनके पैर वगैरह में मट्टियाँ लग गई थी। काफ़ी बच्चे जो ऐसे थे जिनकी दोस्तों रेस तो अच्छी थी लेकिन दोस्तों गीले मट्टी गीली होने की वजह से दोस्तों वो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों ठीक है, फिर भी 50 बच्चों का बैच बनाया तो 50 बच्चों में, लेकिन वो टाइम भी आपको दोस्तों पूरा दे रहे हैं, तो ये एक दोस्तों अच्छी बात है। और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूँ कि डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको स्टार्टिंग में दोस्तों आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा तो आपको दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और सभी की दोस्तों फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि आप सभी पता होगा कि जीडी वालों के लिए दोस्तों 10th लेवल के बेस पर होती है और क्लर्क वालों के लिए दोस्तों 10+2। तो आपको बता दें कि आपको हाई स्कूल, इंटर और आपका मूल निवास यानी जिसको बोलते हैं दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दोस्तों आपका करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों जो पुलिस वेरीफिकेशन वाला है वो दोस्तों आपके पास होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र और दोस्तों आपका अविवाहित प्रमाण पत्र हुआ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फर्जी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यदि आप लेकर गए तो आप दोस्तों पकड़े जाओगे, तो आपको दोस्तों फर्जी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। और जिन दोस्तों का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन दोस्तों का अभी तक फिजिकल लुधियाना में नहीं हुआ है तो दोस्तों वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। दोस्तों आपसे बता दूँ कि आपको टाइम जो है भले ही 125 बच्चों का बैच बने चाहे 200 का बैच बने, लेकिन फिर भी वहाँ का जो टाइम जो दे रहे हैं बच्चों को काफ़ी अच्छा टाइम दे रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आप चीज़ जब भर्ती हो तब आपको दोस्तों 5.5 टाइम दिया जाए, लेकिन दोस्तों अपने आप में दोस्तों 5.5 यदि टाइम भी मिलता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके दोस्तों 5:45 तो टाइम आ रहा है लेकिन वो दोस्तों भर्ती में जाने के बाद वो भी वहाँ पर दोस्तों एक्सीलेंट रेस मार देते हैं। तो दोस्तों वो एक जोश और जुनून होता है उन बच्चों का। तो आप दोस्तों अपनी तैयारी दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। और ये दोस्तों लुधियाना में जिन लोगों का दोस्तों फिजिकल हो चुका है, जो लोग देकर आए हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कमेंट बॉक्स में जो भी वहां की कोई जानकारी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन लोगों का दोस्तों अभी फिजिकल नहीं हो पाया है, जब भी उनका फिजिकल हो तो वो फिजिकल देने के बाद दोस्तों वहाँ की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जो भी दोस्तों अन्य जानकारी मिलेगी तो उस पर भी वीडियो दोस्तों जल्दी अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।